24 से 48 घंटे के लिए रहेंगे पेट्रोल पंप बंद। इस बाबत पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि पेट्रोल पंप बंद रहने की मुख्य वजह 7 साल से कमीशन नहीं देने या बढ़ोतरी नहीं करने की बात कंपनियों द्वारा कही जा रही थी, जिसकी वजह से हड़ताल पर जाना हमारी मजबूरी हो गई है। अतः इस वजह को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे 2 दिन लगातार, तो वेट ज्यादा होने के चलते हमारे ग्राहक दूसरी तरफ डाइवर्ट हुए हैं, अन्य जिलों से पेट्रोल डीजल भरवा कर उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और वही दूसरी तरफ पेट्रोल पंप बंद रखने की वजह ये भी बन रही है, इन कार्य के चलते 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है तो आगे की कार्यवाही करेंगे पेट्रोल पंप द्वारा की जाएगी। इसके बाद ग्राहकों को जो भी परेशानी होती है उसकी जिम्मेदार पेट्रोल कंपनी सहित सरकार भी जिम्मेदार होगी। इसको लेकर के वक्तव्य मेरे द्वारा दिया गया था। हड़ताल के दौरान पेट्रोल पंप पूर्णतया बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। इमरजेंसी सेवाएं के लिए एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड पेट्रोल अथवा डीजल भरने अगर वहां आते हैं तो उनमें जरूर पेट्रोल डीजल भरा जाएगा। सभी पेट्रोल पंपों द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसकी वजह ये एक तो 7 साल से कंपनी हमारे मार्जिन कमीशन में बढ़ोतरी नहीं कर रही है, और दूसरा अदर राज्यों से वेट ज़्यादा है, जिस कारण हमारे ग्राहक डाइवर्ट हो गए हैं और यहाँ सेल कम आती है। तीसरा मुद्दा ये है कि कंपनी ज़बरदस्ती हमें ऑयल और पावर प्रोडक्ट देती है, इसलिए हम 48 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं, और अगर समस्या का समाधान नहीं आया तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये कब से बंद होगा? ये 10 तारीख की सुबह 6 बजे से 12 तारीख की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। एमरजेंसी में जैसे एम्बुलेंस या दमकल गाड़ियां आती है तो उनके लिए सप्लाई जारी है। ये 24 घंटे में कभी भी आ सकती है? 48 घंटे में कभी आ सकती है, उनको प्रोडक्ट दिया जाएगा।